हेलो माय लवलीज, आज मैं यहाँ पर करने वाली हूँ हुदा ब्यूटी मिंट पैलेट का रिव्यू, विच इज सो ब्यूटीफुल, इजंट इट। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड लेट्स बिगिन। तो ये हुदा ब्यूटी का पेस्टल मिंट पैलेट है। वैसे तो इसका MRP बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 2000 के अराउंड है या 2500, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मुझे ये ऑफर में 700 का मिला था। येस, यू हर्ड मी राइट, नायका की किसी सेल पे मैंने इसे 700 पे लिया था। अदरवाइज शायद मैं ऐसा कलर ट्राई नहीं करती या इस पैलेट को ही ट्राई नहीं करती। तो दैट वॉज द रीजन जिसकी वजह से ये मैंने खरीदा है। एंड जस्ट लुक एट द कलर्स, बहुत डिफरेंट कलर है। मेरे पास ऐसा कोई कलर का कोई पैलेट नहीं है। और ये 5 शेड बीच के आपको शिमर में मिलेंगे और कॉर्नर्स के जो 4 है वो है सारे मैट। तो इस तरह से आपको टोटल 9 शेड इसके अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ मैं आई मेकअप से स्टार्ट करूंगी और ये जो ब्लू वाला शेड है यहाँ कॉर्नर पे, इसे मैं लेने वाली हूँ फ्लैट ब्रश पे। लुक्स नाइस। और अब पूरे लिड पे से पैक करूंगी। It is very pigmented. और अब मैं एक फ्लफी ब्रश लेके ये जो मिंट लाइट शेड है इस कॉर्नर पे, इसे अप्लाई करूंगी क्रीज पे। उसके बाद में ये ब्लू शिमर शेड यूज करूंगी लिड पे। It looks very stunning. और फॉल आउट ऑलमोस्ट नहीं है। इनर कॉर्नर पे मैं ये सेंटर वाला शेड लूंगी और बिल्कुल भी चंकी नहीं लग रहा, एकदम फाइन ग्लिटर्स है इसके अंदर, शिमर्स एक्चुअली, और बिल्कुल फॉल आउट नहीं है, विच आई लव। और ब्राउ बोन पे मैं ये वाला शेड लगाऊंगी जस्ट टू ट्राई। Gorgeous, बहुत प्यारा है ये। तो इसमें ग्रीन और येलो टोन है और ये वाला थोड़ा सा सिल्वर और ब्लू टाइप का है, दोनों ही बहुत प्यारा है। अंडर आइज पे मैं ट्राई करूंगी ये वाला लाइट पेस्टल ब्लूइश सॉर्ट ऑफ शेड। तो ये वाला काफी लाइट है और शो अप नहीं कर रहा है। मे बी इफ यू हैव फेयर स्किन तो फेयर स्किन पे अच्छे से शो अप करेगा। So I will try this one now. ये भी काफ़ी लाइट है, सीरियसली ये इसमें काफ़ी डीप शेड दिख रहा होगा लेकिन लगाने पे बिल्कुल भी डीप नहीं है। इट्स वेरी पेस्टल काइंड ऑफ ऑरेंज। तो मैं ब्लू शेड ही नीचे लगाऊंगी जो मैंने सबसे पहले लगाया था। सो बेसिकली मैंने सारे शेड इसमें से ट्राई कर लिए। ये वाला बहुत ही लाइट था, बिल्कुल शो अप नहीं कर रहा था। और ये वाला दिख रहा डार्क है बट ये भी बहुत ही लाइट है, ये भी शो नहीं कर रहा था। तो बाकी तो मुझे ठीक लगे। ये वाला शेड बहुत अच्छा लगा, ये भी अच्छा था और ये भी अच्छा था। तो ये दो शेड मैंने ट्राई नहीं किए हैं। तो आई थिंक आई वॉन्ट टू ट्राई दिस। इससे मैं थोड़ा सा फेस पे एज अ हाईलाइटर जैसा यूज़ करना चाह रही हूँ। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा चंकी है, करना तो नहीं चाहिए लेकिन आई वॉन्ट टू डू दैट। सो लेट्स सी हाउ इट विल लुक। एकदम हल्के से मैं लगाऊंगी इसको। यू कैन सी इट्स वेरी शाइनी और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़े इसके जो शिमर पार्टिकल्स हैं बड़े हैं, तो एक हाइलाइटर के लिए तो ये काफ़ी चंकी हो जाएगा, लेकिन लग रहा है बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग इट। सो अब मैं क्विकली अपना आईलाइनर वगैरह लगा के दूसरे आई का मेकअप करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सो दिस इज़ दी आई लुक और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो ओवरऑल आई थिंक क्योंकि मुझे ये 700 रुपीज़ का मिला है, मुझे ये पसंद आया है पैलेट। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इंडियन स्किन टोन पे ऐसे शेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, अनलेस यू आर टू फेयर। खास करके ये शेड और ये शेड, कुछ हद तक मैं कहूँगी ये वाला शेड भी मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, दिख ही नहीं रहा था। या तो फिर कोई वाइट बेस मैं यूज़ करती तो शायद दिखता, बट ओवरऑल मुझे लगता है इंडियन स्किन के लिए ये सारे शेड इतना भी ज़्यादा यूजफुल नहीं होंगे। बाकी शिमर इसके सारे मुझे पसंद आए, बहुत अच्छे रिफ्लेक्टिव हैं,
आप देख सकते हो बहुत अच्छी शाइन इसके अंदर है, चमकी नहीं है। तो ओवरऑल ये मेरा रिव्यू था इस पैलेट के ऊपर। आपको ये पैलेट कैसा लगा, आप ऐसे कलर लगाना पसंद करोगे या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।